हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुनीता गोयल। जायका कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं दही बड़े, जो कि बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनते हैं। और अगर आपके घर में कोई डिनर पे आ रहा है या आप लंच पे आ रहा है, अगर आपने कोई भी वैरायटी बनाई है और उसके साथ अगर आप दही बड़े या दही बल्ले अगर उनको बनाकर सर्व करें, और गर्मियों का मौसम है तो इसका टेस्ट इतना डबल हो जाता है कि खाने वाला बहुत ही खुश हो जाता है। तो चलिए आज हम बनाते हैं बिल्कुल सॉफ्ट और स्पॉन्जी दही बल्ले। आज हम बना रहे हैं बिल्कुल शादियों में मिलने वाले जो दही बड़े होते हैं ना, जिनको देख के हमारे मुंह में पानी आ जाता है, बस वैसे ही दही बल्ले ये बोल दें या आप दही बड़े। इतने सॉफ्ट और स्पॉन्जी और इतने इजी स्टेप में मैं आपको बता रही हूँ कि ये इतनी जल्दी बनकर तैयार हो जाएंगे और आपको शादी वाले दही बड़े कभी याद ही नहीं आएंगे। तो यहाँ मैंने लगभग 1.5 कटोरी जो है उड़द की दाल ली है और 1/2 कटोरी मैंने मूँग की दाल ली है। मूँग की दाल डालने से जो है आपके दही बड़े इतने टेस्टी और सॉफ्ट बनेंगे। और ये देखिए, मैंने इनको लगभग 8 से 10 घंटे सोक कर लिया है। ये धुली हुई उड़द की दाल है और ये जो हमारी है ये मूंग की दाल है, ये देखिए। तो आज मेरे घर में आ रहे हैं काफ़ी सारे गेस्ट, तो बस मुझे ये दही बल्ले बना के उनको खिलाना है। तो मैं आपको बताती हूँ अब कैसे मैं बना रही हूँ। अब यहाँ मैंने इनको अच्छे से, ये भीग गए हैं, फूल गई है हमारी दालें, अब मैं इनको अच्छे से धो लूँगी और उसके बाद हमें गाढ़ी, ज़्यादा हमें बिना पानी डाले इसको पीस लेना है। तो यहाँ मैं अब इनको पीस लूँगी। ये मैंने दाल का एक फाइन पेस्ट बना के रेडी कर लिया है और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लगभग 1 चम्मच नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच जीरा, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बिल्कुल चुटकी भर हींग। हींग हम बाद में भी डाल सकते हैं, बाद में जब हम इनको पानी में डालते हैं तब भी, लेकिन यहाँ मैं अभी डालूंगी तो इसका जो स्वाद है वो बहुत ही बढ़िया आता है। अब जो इसका हमें मेन प्रोसेसिंग करनी है वो ये है कि हमें सिर्फ इसको चम्मच से ही इस तरीके से नहीं मिलाना है। यहाँ देखिए, ये मैंने चम्मच को हटा दिया है क्योंकि चम्मच से ये बहुत अच्छे से नहीं फिटेगा। अब हमें अपने हाथ का प्रयोग लेते हुए इस तरीके से लगभग हमें 10 से 15 मिनट तक इसको इसी तरीके से अच्छे से फेंटना है। आप जैसे जैसे इसको फेंटेंगे इसमें एक हवा बढ़ती जाएगी, उस हवा से ही जो आपके दही बड़े हैं वो इतने बढ़िया बन के रेडी होंगे कि बस पूछिए मत, बिल्कुल मार्केट जैसे, बिल्कुल शादियों जैसे। लेकिन आपको इसमें एक विशेष बात जो ध्यान रखनी है वो ये है कि जो हमारा हाथ एक बार जिस डायरेक्शन में चल रहा है, जिस तरीके से मैं इसको यूँ घुमा रही हूँ, तो बस आपको यूँ ही घुमाना है, आपको वापस जो है अपोजिट डायरेक्शन में नहीं लेना है। यहाँ मैंने हमारे जो बैटर को है लगभग 15 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लिया है, जिससे कि ये बैटर बहुत अच्छे से फूल गया है। अब हम इनको तलेंगे। यहाँ मैंने एक पैन लिया है और उसमें ऑयल लिया है और यहाँ मैंने एक बड़े भगोने में पानी लिया है और ये हल्का सा निवाया पानी है, निवाया यानी गुनगुना, ज़्यादा गर्म नहीं और ज़्यादा ठंडा नहीं, बिल्कुल हल्का सा कि मेरी उंगली इसमें जा रही है। अब हमारा देखिए ऑयल गर्म हो गया है, तो हमें बहुत तेज़ वाला ऑयल गर्म नहीं करना है, मीडियम वाला जो हमें ऑयल है वो गर्म करना है। अब मैं लो फ्लेम कर रही हूँ और ये देखिए, अब मैं इसको इस तरीके से डाल दूँगी। ये देखिए, मैंने ये दही भल्ले जो हैं बिल्कुल तलने के लिए डाल दिए हैं और मैंने इनको बिल्कुल भी टच नहीं किया है। इस तरीके से हमें ऑयल ऊपर हल्का हल्का डालते रहना है और ये अपने आप ही बिल्कुल आपके घूम के, ये देखिए, चारों तरफ से सिकने लगेंगे। ये देखिए, जो हमने इसमें बड़े डाले थे वो एकदम गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में और जो हमने वो गुनगुना पानी रेडी किया हुआ है उसमें हमें तुरंत ही ये डाल देने हैं, जिससे कि हमारे जो दही बड़े हैं वो पानी बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लेंगे और ये बहुत अच्छे से फूल जाएंगे। जैसे मार्केट में आप सोचते हैं ना कि इतने फूले हुए क्यों हैं, बस ये वैसे ही आपके फूल जाएंगे।
ये बिल्कुल नॉर्मल गुनगुना पानी है, इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है। बस अब हमें ये ऐड कर देंगे इस तरीके से, और इसको मैं प्लेट से ढक रही हूँ। 5 मिनट बाद हम इनको निकाल लेंगे। ये देखिए हमारे जो दही बड़े हैं वो कितने अच्छे से फूल गए हैं, कितने छोटे बने थे, और अब इनका साइज देखिए आप। और इस तरीके से अब हमें इन्हें निकाल लेना है, हल्का सा प्रेस करना है बस इस तरीके से, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद हमें इन्हें सर्व करना है। तो यहाँ मेरे पास इमली की चटनी, धनिया की चटनी ऑलरेडी रेडी है, तो बस मैं उसी से आपको सर्व करके बताती हूँ। यहाँ मैं आपको एक तोड़ के भी बता रही हूँ, जिससे कि आप देखें कि ये पानी कितने अच्छे से इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया है, बिल्कुल इस तरीके से। बस हमें ऐसे ही दही बड़े चाहिए, और अब मैं इनको आपको सर्व करके भी बता रही हूँ। ये हमारे बिल्कुल शादियों जैसे दही बड़े बनके रेडी हो गए हैं। यहाँ देखिए ये मेरे पास इमली की चटनी बनाई हुई है, ये मैंने धनिया की बनाई हुई है, और इसमें मैंने नमक, मिर्च और जीरा ऐड किया है। और हाँ, दही को आप बहुत अच्छे से छान लें, और उसके बाद 1 चम्मच चीनी मिला लें, जिससे कि आपका दही है वो हल्का सा मिठास देगा, जिससे कि आपके दही बड़े बहुत टेस्टी लगेंगे। तो यहाँ मैंने देखिए सर्व कर दिए हैं, और अब मैं आपको इनको तोड़ के बताती हूँ। ये देखिए मैं कोई जोर नहीं लगा रही हूँ, ईजीली हमारी चम्मच से ये देखिए टूट रहा है। बहुत ही बढ़िया हमारे दही बड़े, ये देखिए कितना बढ़िया हमारा दही बड़ा बनके तैयार हुआ है। आपके घर में कोई भी पार्टी हो, कोई गेस्ट आया हुआ है, और मेन बात इस समय गर्मियों का सीज़न है, तो दही से बनी हुई चीज़ का जो है टेस्ट ही बहुत बढ़िया लगता है, और दही ठंडा हो तो बात ही क्या। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे आने वाली रेसिपी के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बाय, टेक केयर, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।